اللهم صل على محمد وعلى رسولك وصل على المؤمنين والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. इस तरह का होता है मखारिज, जिनसे आपको हुरूफ पढ़ने हैं, ठीक, वो हैं पांच। कितने? पांच। नंबर एक, यहाँ से तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं हला पाँव। फिर एक यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं ज़बान। फिर ये है सामने, इसको कहते हैं ये है यहाँ पर, इसको कहते हैं खैशू। सही है। फिर ये बीच में, ये ऐसे खाली हिस्सा, इसको कहते हैं जो अरबी हुरूफ के कितने मखारिज? हलक, ज़बान, खून, जौ, खैशू। हलक, ज़बान, खून, जौ, खैशू। यहाँ से हुरूफ को पढ़ा जाए। हर्फ किसको कहते हैं? हर्फ एक आवाज का नाम, हर्फ एक आवाज का नाम, जो इधर कहीं भी ठहरती है, टकराती है, ठहरती है। सही है। ये हर्फ एक आवाज है। लिखने में इसकी एक शक्ल है। मसलन अलिफ, बा, ये इसकी लिखने में शक्ल। जिस जगह से यह हर्फ निकलता है उसको मखरज कहते हैं। जिस जगह ये आवाज ठहरती, जिस जगह ये आवाज, उसको इस मखरज का एक नाम है। इस मखरज का एक नाम है। मसलन इसका नाम अलिफ, इसका नाम बा। सेम ये इन चार पांच जगहों से ये हुरूफ पढ़े जाते हैं। ये आवाजें इन पांच जगहों से निकलती है। हुरूफ कितने हैं अरबी जबान? जब पढ़ते जाएंगे अब गिनते जाएंगे। सही। ये चार जगह पहचान में आ गए, मालूम होगी पांच कहाँ पर। अगली चीज हमें देखना है जबान कैसी होती है और दांत कैसे कैसे। ज़बान कुछ इस तरह की होती है। ऊपर जहाँ वो कील जैसा होता है, कवा, इसको कवा कहते हैं। आर्मी में इसको नहात कहते हैं। ठीक। इसके पास में ज़बान का जो हिस्सा है इसको जड़ कहते हैं।
बीच ये जो हिस्सा है इसको जमान का बीच, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जबान की करवट कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जबान का किनारा कहते हैं, ये उंगली वाला ये इसको नोक कहते हैं, सही है। और ये पीछे इसके पीछे इसको जबान की पुष्ट पुष्ट ठीक है। फिर आप के दो जबड़े हैं, एक ऊपर वाला नीचे, इसके दो हाफ हैं इधर, और हम एक हाफ को पढ़ लेंगे बातों को समझ में। सामने वाला जो दांत है जिसको आप क्या कहते हैं इंसीजर, ये है सनाया, ऊपर उलिया हो जाएगा और नीचे सुफला हो जाएगा, ठीक। इसके पास में जो दांत है उसको रबाई कहते हैं, इसके पास में जो मुंह नोकदार दांत है इसको नाक कहते हैं, ठीक। चारों तरफ चार हो जाएंगे ना, ये भी चार हो जाएंगे, ये भी चार हो जाएंगे, ये भी चार। इसके पास में जो साथ में दांत है उसको वाहिद है, जिसको उनके माना हंसना, तो हंसते हुए यहाँ तक दांत नजर आते हैं, ठीक है। इसके पीछे जो दांत है वो चबाने के काम आते हैं, इसके साथ वाले दांत को ताहिन कहते हैं, ताहिन, ताहिन के माने होता है पीसने वाला। इसके साथ में और दांत मिले दो या तीन, इनको सबको नाजिस है, जो चबाने के काम आते हैं। कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ एक तरफ अड़तीस की तरफ, कितना हो गए सोलह पूरे हो गए जी। मेरे पास ये वाला था अट्ठाईस ही, बत्तीस नहीं हो गया, अट्ठाईस मुझे कोई धमकी नहीं देगा, बत्तीस हजार को उसकी धमकी काम नहीं करेगी। यार समझ में आ गई, उम्र का सर बन गए, है ना। देखिए अब यहीं से ऊपर हम पढ़ना शुरू करें, कहाँ से, इधर से, ये हलक है तकरीबन यहाँ से, है ना, तकरीबन यहाँ से यहाँ, ठीक। यहाँ से आपका हमजा पढ़ा जाता है, ठीक। यहाँ से आपका हा पढ़ा जाता है, सही। बीच में आ गई, यहाँ से आपका आई पढ़ा जाता है, यहाँ से आपका हा पढ़ा, सही। और ये तवा यहाँ पर कील इस तरह होगा, इस तरह इससे नीचे यहाँ पे आपको वो होगा, वो कोई पार्ट जैसा इधर जो बाहर को निकल आएगा वो तो होगा इसी पाइप में, यहाँ ही यहाँ इसी पाइप में होगा, लेकिन इधर से बाहर को नजर आएगा, तो
यहाँ से आपका वही पढ़ा जाता है और इसी पास में आपको खौफ से है, लेकिन इस कभी स्कील से नीचे नीचे ऊपर नहीं। अब पढ़िए इसको हमजा अब ये शक्ल जो यहाँ लिखी है इसकी शक्ल हमजा इसका नाम है, हमजा इसका नाम है ये, और ये इसका मखरज है। उसकी सिफात भी होती है, जो ज़रूरी सिफात हैं जो आपको समझना इस वक्त ज़रूरी है वो बताते रहेंगे। इसमें तो नॉर्मल तरीके से आप पढ़ लेते हैं, मुश्किल नहीं है। अलबत्ता इन दोनों में एक सिफत अलावा है, उसको कहते हैं इस्तेअला के माना पुर करना, पुर करना, आवाज़ को मुँह में भर दे। आवाज कैसे भरी जाती है मुंह में, ये मसलन ऊपर का मुंह का तालू है, इसकी नीचे जबान है, ऐसे ऐसे इस जबान को यहाँ जड़ से ऊपर उठा दे। इस जबान को जब ऊपर उठाएंगे तो ये इस्तेआला हो जाएगा। सही है, बात समझ आ गई। तो इससे आगे क्या है, ये बन जाएगा आपका तालू ऊपर, ऐसे ये बन जाएगा आपका तालू ऊपर से, फिर ये होगी आपकी जुबान, ऐसे ऐसे होगी जुबान। हाँ, ये जबान की जड़ है इस कवे के पास, इस जड़ से आपका कॉफ पढ़ा जा रहा है ना, तो कॉफ जी आप कॉफ तो आवाज तो सीख ही रहे, साथ साथ में ये लिखने के तरीके भी सीख रहे हैं जी, कॉफ पढ़ा जाता है जी, है ना। और इसके अंदर भी एक सिफत है, उसको इस्तेआला कहते हैं, यानी उसको क्या किया जाएगा, इसको पुर पढ़ा जाएगा। पुर कैसे होता है, जबान ऊपर उठा दीजिए, पढ़ दीजिए इसके पास में, यहाँ से जड़ से कुछ ऊपर, जड़ से कुछ ऊपर, यहाँ से आपका काफ सही है, सही है जी जी। कौफ में एक सिफत और है कलकला, उस हालत सुकून में पढ़ी जाती है, जाहिर होती है, होती हमेशा है लेकिन हालत सुकून में होती है, उसको हम आगे देखेंगे। हम आ रही है जबान का बीच, ये हिस्सा तकरीबन जबान का, तो सबसे पहले जी, उसके बाद शी, उसके बाद या, मगर कौन सा या, जिस पर जबर जेर पेश हो, जिस पर जबर जेर पेश हो, या उस पर जजम हो उससे पहले जबर, सही है, वो या जिस पर जबर दे पेश हो, या अगर उस पर सुकून है तो पहले जबर, तो ये बनेगी जबर। जी वो शीन है, सीन है, जी शी या, जी शी या, जी शी या, इसको पढ़ेंगे या यू या
सही है। इस शीन के अंदर एक सिफत अलावा है, उसको कहते हैं तफशी। तफशी क्या करते हैं, आवाज को मुंह में पूरा फैला देते, आवाज को मुंह में फैला देते हैं। तफशी समझ में आ रहे, समझ में आ रहे। ये जो जबान है इधर करवट, करवट, करवट साइड, इस करवट से एक हर्ष पढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं बौध। क्या कहते हैं? बौध। बौध। अब ये करवट लगानी कहाँ पर है? पिछले दांत थे, सबसे पीछे क्या है? नवाजिस, नवाजिस है, ये तीन नवाजिस हैं, और उसके साथ में एक बाटिन भी है। जबान को इन दांतों के साथ लगाना है, यहाँ पर इस जबान को इन दांतों के साथ यूं लगाना है, ठीक, इस जबान को इन दांतों के साथ यहाँ पर लगाना है, सही है। लौद के अंदर एक सिफत है इस्तेआला, इस्तेआला तो समझ आ गई, क्या करेंगे जबान को कहां से, जड़ से, पीछे से। इस लौद के अंदर एक सिफत है, उसको कहते हैं इतबाप, इतबाप में क्या होता है, ये वाली जगह ऊपर उठानी, सामने वाला हिस्सा, सही है, सामने वाला हिस्सा ऊपर उठाया जाए, जो हो जाएगा इतबाप। इस वाद के अंदर एक सिफत और है, उसको कहते हैं इस्तिफालत, इस्तिफालत, इस्तिफालत के माना आवाज को यहां से खींच कर, यहां देखिए कहां से खींच कर, पिछले दांत से खींच कर यहां को लाना है, ये बन जाएगा इस्तिफालत। पिछली पिछले दांत से आवाज को खींच कर इस दांत तक लाना है, तो पढ़िए समझ में आ गया, बस करें।